अब कहाँ जा रही है? मैं चौधरी जी वो तानिया को मिलने अस्पताल जा रही हूँ। वो बाबर पुत्र आए ना, उसे कहना वो भी आ जाए। बुरी बात है, उसके घर वाली है, बीवी है उसकी, उसको मिलाना चाहिए जाके। और चौधरी जी मेरे सामने तो आ ही नहीं रहा, टाकरा ही नहीं हुआ, पता नहीं किधर है वो। वैसे मैंने तो बड़ी बातें करनी थी, आप कह देना उसको। अच्छा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से कोई बात करने की जरूरत है। बात हुई है मेरी माँ खुदादाद से, वो तानिया को अस्पताल से घर ले जा चुका है। नाराज है तुमसे और बाबर से, बहुत नाराज है वो। ले, गुस्से होने की कौन सी बात है चौधरी जी? ले, छोटी मोटी बातें तो होती रहती घर में। छोटी मोटी बातें? जुल्म किया है तुमने और बाबर ने, बहुत बड़ा जुल्म। सलाम चौर जी। हाँ बोल मुंद्री, काम हो गया है? चौर जी इसी सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ था। क्या क्या मतलब है, काम हो गया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे। ओए नहीं चौर जी। ओए मुंद्री, तू मुझे ये बताने आया है कि मेरे दिए हुए वक्त पर मेरा काम नहीं हुआ? ओए तू अब तक जिंदा क्यों है? चौरी जी वी बड़े मैंने खिदमत की है आपकी, बड़े बंदे मारे हैं आपके लिए, पर कभी आपसे कुछ मांगा नहीं। आज सिर्फ आपसे एक चीज मांगने आऊं, फिर कभी नहीं मांगूंगा। मेरी खिदमत के बदले मेरा ये काम कर दे चौरजी। मैं दारे को नहीं मार सकता, दारा यार है मेरा, मेरी साहबा का भरा है, मैं उसे कैसे मार सकता हूं? हाँ मेरी जान ले लें। अच्छा जी। हाँ चौर जी, जान से मार दें, अपने अपने हथ मार दें, गोली मार दें, वफ नहीं करेगा मुंद्री। पर चौरी जी मैं ये काम नहीं कर सकता। और मुंद्री, होना तो पहले भी यही था, पर अब ये जिद है मेरी, पर कसम अल्लाह पाक की अब ये काम तू ही करेगा। तेरा क्या ख्याल था तू इतनी आसानी से अपनी जान छुड़ा लेगा तो तेरी जान छूट जाएगी? नहीं मुंद्री नहीं, मार तो मैं तुझे भी सकता हूं और दारे को भी, पर बात अब
सच पूछ तो जिद की आ गई है। तू दो टके का कमी और चौधरी बाबर को ना करे, वो तुझे तेरी औकात याद दिलानी पड़ेगी। तो कालिया जी चल सर, चल जा फौरन हवेली पहुंच। क्यों? पीछे आटा है, चल पीछे हट जाए। हवेली जाके सफिया और जनते को गड्डी में डालकर इधर ही ले आ। चल चौधरी साहब। और चल चौधरी साहब, चल चल इधर। शाह जी आप क्या करने जा रहे हैं? आपने बहन सफिया और बेबी को क्यों बुलाया? क्या करने जा रहे हैं चौधरी जी? यहां क्यों बुलाया, क्यों बुलाया चौधरी जी? बहन सफिया और मेरी अम्मा को। तू अच्छी तरह जानता है मुंदरी क्यों बुलाया मैंने तेरी माँ और बहन को। तू कोई छोटा काका नहीं है, सब जानता है। नहीं चौधरी जी नहीं, रब के लिए ऐसा ना करें। मैंने और मेरे टब्बर ने बड़ी खिदमत की है आपकी, आपके खानदान की। खिदमत किया तो कोई एहसान नहीं किया, साल की 12 बोरियां गंदम की भी तो लेते हो, और कमी को मिलती हैं सिर्फ 2 बोरियां और तुझे मिलती हैं साल की पूरी 12, यानी हर महीने 1 बोरी। तूने चौधरी बाबर को इनकार किया, मेरे कम से इनकार किया, सजा तो मिलेगी। और मौत का खौफ नहीं है ना तुझे? ठीक है ना सही, पर अपनी मां बहन का ख्याल तो सबको होता है। अपनी मां बहन की इज्जत की खातिर तो हर बंदा अपनी अपनी अना अपनी अपने असूलों को पीछे छोड़ देता है। बोलो मुंदरी क्या कहता है? नहीं चौधरी नहीं, रोकने क्या लेको, बुलाने उसको, मैं तारे को मारूंगा, अपने हाथ ही मारूंगा उसको, पर मेरी बहन और सफिया को ना यहां बुलाए ना, मैं मारूंगा तारे को। पर तू तो कहता है यार है तेरा, लंगोटिया है तेरा, सब कुछ कर सकता हूं पर उसकी जान नहीं ले सकता है? पर मेरी मां और बहन की इज्जत से ज्यादा वद नहीं है उसकी जान, मैं दोनों की इज्जतों के लिए किसी को भी मार सकता हूं। मैं भी जा रहा हूं चौधरी जी, वो धरा अभी वही खेतों में होगा बोर्ड के नीचे, उसे वही मारूंगा, आप फिक्र ना करें। काले को बुलाएं, रोके उसे, चौधरी जी फोन करें उसे, चौधरी मेरी बहन मार बहन को ना बुलाएं, रोके उसे। और ठीक है रोक दूंगा, सब इश्तारियों को भी रोक दूंगा और काले को भी, चल जा। वो बुलाएं चौधरी जी उसको, फोन करें। ओए एक बारी कह दिया ना तो कह दिया, बार बार गल को दोहराना चौधरी बाबर की फितरत नहीं है। चल और गल सुन, इसको लेकर जा, बड़ी लोड़ पड़ सकती है इसकी, चल ना। तो आखिर है ना कमी का कमी।